पंजाब यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी भर्तियों का केस है। साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर मुजाहिद कामरान समेत 6 मुलजिमान एहतसाब अदालत पेश हो गए हैं। इस हवाले से बात कर रहे हैं सकलैन जावेद से। सकलैन बताइएगा, अदालत के जज नजमुल हसन के रूप को पंजाब यूनिवर्सिटी में भर्ती और बेजाबतियों पर गिरफ्तार साबिक वाइस चांसलर मुजाहिद कामरान समेत दीगर मुलजमान को पेश किया गया। नैब की तरफ से इन मुलजमान के हवाले से बताया गया कि इस हवाले से मजीद तहकीकात की जरूरत नहीं है, हम अपनी इंक्वायरी मुकम्मल कर चुके हैं, लिहाजा इनको मजीद जिस्मानी रिमांड की बजाय जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया जाए। जबकि मुलजमान के वकला की तरफ से कहा गया कि इस हवाले से जुडिशल रिमांड पर भिजवाने की कोई जरूरत नहीं, इन मुलजमान को रिहा किया जाए क्योंकि इन पर कोई केस साबित नहीं हो रहा, जिस पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है जो कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। आज अदालत के रूबरू साबिक वाइस चांसलर मुजाहिद कामरान, डॉक्टर लियाकत औरंगजेब, आलमगीर मोहम्मद, अमीन खान, राज कसूर और कामरान आबद को अदालत के रूबरू पेश किया गया था। उनको बगैर अस्टडी के अदालत के रूबरू पेश किया गया। इस मौके पर उनके हमायतियों और कुलबा की बड़ी तादाद ही कमरा अदालत के बाहर पहुंच गई, जिन्होंने बैनर भी उठा रखे थे जिस पर दर्ज था कि साथ को इज्जत दो और जब